वो एक्चुअली कल पार्टी में तुमने अपना नंबर तो दे दिया था पर अपना नंबर नहीं दे पाए थे, तो सोचा तुम्हें कॉल कर दें, इस बहाने तुम्हें हमारा नंबर भी मिल जाएगा और हमें राहत। हेलो, तुम्हें सुनाई दे रहा है? ये जवाब क्यों नहीं दे रही? बट लिसन, अगर हम कभी बात नहीं कर पाए ना तो समझ जाना कि हमारे आसपास कोई है। ओह, गॉट इट। हमें तुम्हारी प्रॉब्लम पता है। डोंट वरी, तुम बस सुनती रहो, हम बोलते रहेंगे। हम तुम्हें बताना भूल गए, हमारे पास तुम्हारी अमानत है। तुम्हारे दुपट्टे का घुंघरू वो हमारे पास ही छूट गया था, पर फिक्र मत करो, हमने उसे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे से संभाल के रखा है। तो हम सोच रहे थे आज कॉफी पे मिले, तुम्हें तुम्हारी अमानत भी लौटा देंगे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हेलो, हेलो, शायद कोई आ गया होगा। ये प्यार करने वालों के बीच में विलेन की एंट्री जरूरी है क्या? कोई बात नहीं, वैसे भी आज तुमसे बात करके हमारी मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। अच्छा, तो उस खटारे वाले का मैसेज आया है। देखो तो, नाम पसंद नहीं आया? अरे वाह, अभी से इतनी परवाह? नॉट बैड। वो कह रहा है कि तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अरे वेदांत, हेल्प ना यार, ये अभिमन्यु मुझे हरा रहा है। अरे नहीं, वेट, मेरी भोली वाली प्रेम दीवानी इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, थोड़ा भाव का। बंदे को लगना नहीं चाहिए दैट यू आर आल्सो सुपर इंटरेस्टेड। देख, वरना तेरी वैल्यू कम हो जाएगी। थोड़ा वेट कर, उसे थोड़ा तड़पा, थोड़ा भाव खा, थोड़ा परेशान कर। तुम्हें किसी को परेशान करना नहीं पसंद। ये मेरी मदर टेरेसा। हम जानते हैं कि तुम्हें किसी को परेशान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर ये लव गेम्स है ना डार्लिंग। देख, जितना तुम उसे तड़पाओगी उतना वो और पैशनेट फील करेगा। वो क्या कहते हैं, जितनी प्यास बढ़ती है पानी उतना ही मीठा लगता है। तो बस। अरे क्या, नहीं नहीं, देखो वैसे भी आज तुम्हें मंदिर की पूजा में डांस करने जाना है, तो तुम तो जा ही नहीं पाओगे उसे मिलने, है ना? दो। अब उसे टेक्स्ट करके बोलो कि हम आज नहीं मिल सकते, फिर कभी। वो खटारे वाला चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, तो करो। करो ना, आज हम नहीं मिल सकते, फिर कभी। स्वरा भाग के क्यों आ रही है? भूत देख लिया क्या?
क्या हुआ? वो आदमी जिसकी तुमने जान बचाई थी वो मिला था, तो इनाम दिया उसने? नहीं दिया। वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता है, तो अच्छी ऑफर है ना, ग्रैब इट। अच्छा, तुझे तो इस खटारे वाले से प्यार हो गया है ना? सॉरी, रिलैक्स। तुझे उस बुड्ढे ने, आई मीन भले इंसान ने पूछा और तू भाग कर चली आई, तो इसका मतलब ये है कि वो समझ गए होंगे दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अब वो घर थोड़ी ना आने वाले हैं रिश्ता लेके, जो तू इतना पैनिक हो रही है। आपके यहाँ रिश्ता जुड़ना तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नैना हमारे छोटे भाई की बेटी है, लेकिन हमारे लिए बेटी से भी बढ़कर है। हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि श्लोक के जैसा होनहार और संस्कारी लड़का हमें दामाद के रूप में मिल रहा है। कितना बड़ा दिल है इसका, ये जानते हुए भी कि नैना एक विधवा है। उसके बाद भी शादी के लिए तैयार हो गए। बलदेव जी, वैसे उस खटारे वाले, सॉरी, आई मीन तुम्हारे हीरो का कोई मैसेज आया? अरे नहीं नहीं, तुम ज्यादा भाव नहीं खा रही। हाँ, नाम तो हमने भी नहीं पूछा उसका। सब कुछ बताया है श्लोक ने हमें, हमें बस एक ही बात कहनी थी आपसे कि जब भी आपकी बेटी हमारे घर आए तो बस शगुन के कपड़ों के साथ आए, मतलब कोई दान दहेज नहीं। हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं बलदेव जी। जी बोलिए। हम अपनी बेटी तो देंगे, पर बदले में हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम जानते हैं कि श्लोक भैया को देखने के लिए लोग आए हैं। अब इतनी ट्रैफिक थी तो क्या कार उड़ा कर लेकर आए? 2 करोड़ की गाड़ी, इस फैमिली की टोटल वैल्यू तो कितनी ऊपर होगी। काश ये रुद्र प्रताप श्लोक की जगह हमारे लिए रिश्ता लेके आया होता। रुद्र जी, हम कुछ समझे नहीं, क्या चाहिए आपको? जी वो आपकी पोती, आ गए तुम लोग? हम आपकी पोती को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वैसे हम तुम्हें बता दें, मेरा बेटा वेदांत बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा, और इस बात की गारंटी हम देते हैं, हमारा पूरा परिवार तुम्हें बहुत प्यार देगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सहमति के बगैर हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे बेटे वेदांत की तस्वीर है, एक बार देख लेना, फिर जवाब देना बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं।